कैसे हो भाई लोग, क्या हाल है? आई होप आप सब मज़े में होंगे। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंटेल की जो 12th जनरेशन है उसके बारे में कुछ और जानकारी आपको देना चाहता हूँ, एज़ वेल एज़ पिछले वीडियो में जो मुझसे एक मिस्टेक हुई थी स्पेसिफिकेशन को बताने में, जो कोर काउंट है और जो थ्रेड काउंट है उसको, वो भी समझाना चाहता हूँ। एज़ वेल एज़ अभी इंटरनेट पे एक ट्विटर हैंडल है राइचो करके, उसके द्वारा क्लेम किया गया है कि जो 12th जनरेशन का सबसे बड़ा CPU है, यानी कि 12900 के, वो AMD का जो सबसे बड़ा CPU है 16 कोर 32 थ्रेड वाला 5950X, उसको 25 से लेके इन सम केसेस 31% तक भी बीट करता है। तो ये सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो पहले बात करते हैं 12th जनरेशन में स्पेसिफिकेशन में आपको क्या क्या मिलेगा। तो जहाँ तक अभी तक जितनी भी जानकारी मुझे मिली है, आई होप कि ऐसा ना हो, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहता हूँ कि 10th जनरेशन की तरह जितने मतलब सारे छोटे से लेके बड़े सारे CPUs लॉन्च किए जाए, ऐसा ना किया जाए जैसे 11th जनरेशन में किया गया कि जो i5 है, i7 है और i9 है वही रिलीज़ किए गए, आपको 11th जनरेशन का कोई भी i3 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो, आई होप कि 10th जनरेशन में जैसे छोटे से लेके बड़े सारे के सारे CPUs फिर से नए से बना के अलग से रिलीज़ किए गए थे, ऐसे ही 12th जनरेशन में सारे के सारे रिलीज़ हो। लेकिन अभी तक जो इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो तीन ही CPUs के बारे में है, यानी कि 12600 जो कि i5 होगा जिसमें आपको 10 कोर मिलेगी, जो 12700 है वो i7 होगा जिसमें आपको 12 कोर मिलेगी, एज़ वेल एज़ i9 12900 के, उसमें आपको 16 कोर मिलेगी। अब ये जो कोर है और कोर काउंट है और थ्रेड काउंट है उसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि ये CPUs जब एक्चुअल में आउट होंगे तब हमें सही जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी जो जानकारी अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये 12900 की बात करें तो उसमें 16 कोर है, तो उसमें 8 कोर है वो पी कोर है यानी कि परफॉर्मिंग कोर, और 8 कोर है वो है इफ़िशेंसी कोर। पिछले वीडियो में मैंने इकोनॉमिक कोर कहा था, ठीक है। तो ये जो इफ़िशेंसी कोर्स है उसमें हाइपरथ्रेडिंग का सपोर्ट नहीं है, जो एक परफॉर्मिंग कोर है उसमें हाइपरथ्रेडिंग मिलेगी। तो आपको 16 और 8 24 थ्रेड मिलेगी। पिछले वीडियो में मैंने गलती से आपको 16 कोर 32 थ्रेड कहा था, क्योंकि एक और वेबसाइट पर मैंने ऐसा पढ़ा था, इसकी वजह से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे सही लग रही है और शायद ऐसा ही होगा। तो आपको 16 कोर मिलेगी फिजिकली और 24 थ्रेड का आपको सपोर्ट मिलेगा, जो सबसे बड़ा CPU है उसमें, ठीक है, 12900K में। जो दूसरे दो छोटे CPUs हैं यानी कि 12600 जो i5 है उसमें आपको 10 कोर मिलेगी, तो जो 6 कोर है वो परफॉर्मिंग कोर होगी, उसमें आपको हाइपरथ्रेडिंग का सपोर्ट मिलेगा। जो दूसरी 4 कोर है वो इफिशेंसी कोर होगी, तो उसमें हाइपरथ्रेडिंग नहीं मिलेगी। तो उसमें आपको कितने हो गए, 6 और 6 12 12 और 4 16 16 का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, 16 थ्रेड मिलेगी टोटल। जैसे मैंने 20 कहा था ना वो नहीं है। और जो i7 होगा 12700 के, उसमें है टोटल 12, तो जो 8 है वो परफॉर्मिंग कोर है और जो 4 है वो इफिशेंसी कोर है। तो आप कैलकुलेट कर लो कितनी टोटल आपको थ्रेड मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ही कन्फ्यूजिंग है, और ये CPU जब एक्चुअल में आउट हो जाएंगे तब ये सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, उसका परफॉर्मेंस कितना है। लेकिन अभी जो इंटरनेट पर जानकारी अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एज़ वेल एज़ कुछ चीज़ें हैं जो आपको गलती करने से मैं रोकना चाहता हूँ। तो अब 12th जनरेशन की बात करते हैं कि उसमें आपको नया क्या मिलेगा। तो जैसे आप सबको पता ही होगा कि जो 11th जन जब लॉन्च हुई तो उसमें PCIe Express जनरेशन 4 का सपोर्ट हमें मिला, लेकिन 11th जन को परचेज़ करने के लिए मैं कभी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा रुक जाओ। तो 12th जनरेशन के साथ इंटेल आपको 600 सीरीज़ के सारे चिपसेट रिलीज़ होंगे, मदरबोर्ड आएंगे, Z वाले, B वाले, H वाले, Q वाले, एज़ वेल एज़ 12th जनरेशन में पहली बार PCIe Express Gen 5 का सपोर्ट मिलेगा, और ये बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है, एज़ वेल एज़ DDR5 मेमोरी का भी सपोर्ट मिलेगा। और ये हिस्ट्री वाइज बात करूँ तो इंटेल ने ही ये जो सारे बड़े बड़े चेंजेस होते हैं या जो नई नई टेक्नोलॉजी का सपोर्ट होता है वो इंटेल ने ही रिलीज़ किया है। जैसे कि DDR2 मेमोरी सबसे पहले उन्होंने रिलीज़ की थी, DDR3 भी उन्होंने, DDR4 भी, PCIe Express जनरेशन की 4 उन्होंने रिलीज़ नहीं की। AMD ने एक ही चीज़ की है कि अपनी 3rd Gen के साथ PCIe Express 4 का सपोर्ट दिया। इसके अलावा AMD ने कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च नहीं की है, ठीक है, हर बार इंटेल ही ये करता है। और ऐसे ही 12th जनरेशन में आपको DDR5 मेमोरी का सपोर्ट मिलेगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, और PCIe Express में भी जनरेशन 5 आपको देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि जो बजट चिपसेट होता है ना उसमें ऐसा वो करे कि जो सारे X16 स्लॉट है वो जनरेशन 5 के हों और जो छोटे वाले स्लॉट हैं वो जनरेशन 4 के हो, ऐसा ही कॉम्बिनेशन करके आपको PCIe Express मिलेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा चेंज है। अब जैसे ये जो परफॉर्मेंस लीक हुआ है उसकी बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि एक ट्विटर हैंडल है राइचो करके, उसके पास कहीं ना कहीं से इंजीनियरिंग सैंपल 12900 का उसको मिला होगा, उसको उसने वाटर कूल किया और उसको बेंचमार्क किया, तो उसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि 25 अलग अलग बेंचमार्किंग में 25% से लेकर 31% तक वो
5950X यानी कि 16 कोर वाले CPU को बीट कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, सीरियसली मैं कह रहा हूँ, इससे कंपटीशन और तगड़ा होगा और ओवरऑल इसका फ़ायदा होगा हमें। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ ऐसा हो, ठीक है, 25% या 30% तक तो शायद ना हो, जैसे मैं स्पेसिफिकेशन वाइज बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा थ्रेड काउंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कर देता है इंटेल तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और ऐसा शायद ना भी हो पाए तो भी 5950X को वो बीट कर दे 5% से, 10% से, या वर्स्ट केस सिनारियो देखते हैं कि बीट ना भी कर पाए, उसके इक्विवेलेंट तक पहुंच जाए ना, तो भी इससे कंपटीशन तगड़ा होगा और इससे बेसिकली फ़ायदा होगा हमें। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई साहब, हमें तो ना 12900K खरीदना है ना 5950X खरीदना है, तो इससे फ़ायदा हमें कैसे होगा? तो जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, आज से 5 साल पहले की, 4 साल पहले की बात करो, तो हमें 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU लेने के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे, ठीक है। इंटेल में ही बात करें तो जो मेन स्ट्रीम कैटेगरी में, तो 4 कोर से ऊपर मिलती नहीं थी, 6 कोर वाले में वर्क स्टेशन कैटेगरी में जाना पड़ता था, उसके लिए आपको 50, 60 या 80 हज़ार तक खर्च करने पड़ते थे। आज आपको 15,000 में भी 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU मिल जाता है। तो ये होता है कॉम्पिटिशन का फ़ायदा। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि 12th Gen में अगर ये लोग AMD को बीट कर देते हैं तो इससे कॉम्पिटिशन और तगड़ा होगा। इंटेल अब एक पावरफुल CPUs लॉन्च करेगा, एज वेल एज AMD भी कुछ नया करेगा अपनी अगली जनरेशन में, तो इससे कॉम्पिटिशन तगड़ा होगा, प्राइस डाउन होंगे, परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो जो हम मिड रेंज कैटेगरी के यूज़र हैं, बजट यूज़र, जिनका बजट 25,000 तक का होता है CPU का, या उससे भी कम भी होता है, तो भी ओवरऑल आपको इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी पिछले वीडियो में तो मैंने आपको ये भी कहा था कि 10th Generation में बनाना है सिस्टम तो बना लो, लेकिन अभी सबको मैं बोलना चाहूँगा, कोई भी कंप्यूटर यूज़र हो, किसी भी कंपनी के साथ जाना चाहते हो, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, बस 1 महीने का टाइम है, सितंबर में ही ये 12th Gen रिलीज़ होने वाली है। तो उसके बाद सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, कितने CPUs हैं, कैसा उनका परफॉर्मेंस है, क्या प्राइसिंग है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अभी हमें AMD साइड जाना है या इंटेल साइड जाना है, ठीक है। मेरा मन ये कह रहा है, मेरी मतलब गट फीलिंग ये कह रही है कि इंटेल 12th Generation में बहुत कुछ चेंज करने जा रही है, और ये जो लीक है वो सच है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे सीधा सीधा फ़ायदा होगा हमें। तो अगर ये सच बात है तो अनडाउटेडली हमें इंटेल साइड ही जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा हमें होगा, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि AMD में जाना है या इंटेल में जाना है, ठीक है। तो आई होप अब सबको समझ में आ गया होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा। और जैसे मैंने कहा कि ये सारी जो बातें अभी चल रही है ना इंटरनेट पे, वो रूमर्स भी हो सकती है, जो कुछ जानकारियाँ हैं वो अधूरी हो सकती है या एग्जैचुरेट करके भी बताई गई होती है, लेकिन जब एक्चुअल में CPUs आउट होंगे तब उनके प्राइसिंग, उनका परफॉर्मेंस, कितने CPU हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो तब बात करेंगे, जब एक्चुअल में लॉन्च हो जाएगी ना, तब भी एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको क्लियरली बता दूंगा कि अब आपको क्या करना है, सिस्टम बिल्ड करना है तो AMD पे करना है या इंटेल पे करना है। आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आई डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।